नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट आर द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के चार मेन कंपोनेंट्स बताने हैं। नंबर वन पे हमारे पास आ गया सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड। तो अगर हम लोग देखें कि भाई सीपीयू मेन कंपोनेंट है, सीडी रोम, अगर आप सीडी रोम, माउस एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइसेस में आ गए। अगर सीडी रोम की बात करें हम, तो हमारा सीडी रोम के बगैर कंप्यूटर चल सकता है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर और SPW। इनके अंदर हम लोग वीडियो कार्ड की बात करें तो हमारा वीडियो कार्ड के बगैर भी सिस्टम चल सकता है, मोडेम, कीबोर्ड। अब इन सब ऑप्शन में से लास्ट वाला ऑप्शन जो है, ये जो है CPU, मेमोरी, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इन चारों में से फॉर एग्जांपल CPU है, CPU हमारा क्या होता है, CPU हमारा प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर को ही हम लोग, या फिर CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम लोग में ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और मेमोरी के बगैर, और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इन चारों चीज़ों के बगैर हमारा कंप्यूटर होगा तो, इनपुट डिवाइसेस के बगैर हमारा कंप्यूटर चलेगा तो सही, लेकिन हम उससे कोई काम ले नहीं सकते, ना ही उसको कोई काम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट ही नहीं दे सकेंगे अगर इनपुट डिवाइसेस ना होंगी तो। लिहाजा इन चारों में से लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इनपुट आउटपुट। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंप्यूटर इनपुट, जो डाटा इनपुट हुआ होता है उसके बाद वो उस डाटा पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और फिर इस प्रोसेसिंग को, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग में कैलकुलेशंस आ जाती हैं कि जो डाटा इनपुट हुआ है उस डाटा पर कैलकुलेशन करनी है, ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तो वो प्रोसेसिंग में आता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकलती है जिसको हम लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं, या फिर हमें जिसे रिजल्ट कहते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। उसके बाद सेवन वाले पे देखते हैं, तो कहता है कि भाई द स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड आर द, ये जितनी भी आपके सामने डिवाइसेज हैं, स्कैनर, जॉयस्टिक्स एंड कीबोर्ड, ये सब की सब क्या हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, प्रोसेसिंग किन के जरिए, प्रोसेसिंग कौन करता है, कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करता है, तो जितने भी हम लोग काम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, या फिर हम लोग जो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, वो होता है CPU। CPU इज अ सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, और यही मेन कंपोनेंट है, सबसे मेन कंपोनेंट कंप्यूटर का CPU है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कि जिसके अंदर हमारे पास ये कंप्यूटर के पार्ट्स गिवन है, हमने इन पार्ट्स के नाम बताने हैं और उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्ल्यू के तौर पर हमने उनको पढ़ के कंप्यूटर के नाम बताने हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉनिटर। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, जो कि कंप्यूटर के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर करवाया जा सके, परमानेंटली स्टोर करवाया जा सके। तो ये डिवाइस है जिसका नाम है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंडिकेट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, बेसिकली ये एक स्लॉट है जिसके अंदर किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये वाली, ये एक, इसको हम लोग कहते हैं USB पोर्ट हम लोग इसको कहते हैं। इसके अंदर आपकी कीबोर्ड, USB और अदर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस जो कि USB पोर्ट रखती हैं, वो हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली डिवाइस जो कि हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ये भी बेसिकली एक पोर्ट है, CD ड्राइव हम लोग इसको कहते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं कीबोर्ड। सब आप लोगों को पता है कीबोर्ड इज जस्ट लाइक अ टाइपराइटर, बस इसके अंदर कुछ कीज, इसको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया गया है, इसके अंदर अपग्रेडेशन कर दी गई है, और कुछ और मुख्तलिफ कीज जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं माउस। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं, ताकि हम लोग अपनी सॉफ्ट कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकें, पेजेस की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम एनी रिसोर्स, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, बुक, मैगजीन्स एटसेट्रा। नंबर वन पे हमारे पास एक टर्म आई है WWW, तो हम, व्हाट इज अ WWW, तो WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब।
www stands for World Wide Web. ये होता क्या है? Basically, World Wide Web is a collection of web pages and websites. हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, तो जब हम लोग www.facebook.com लिखते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स ऑन ओके बस. नेक्स्ट टाइम हमारे पास व्हाट इज यूआरएल. यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली ये पूरा यूआरएल एड्रेस होता है. तो हम लोग इसको पूरा लिखते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस. अब भाई ये कौन सा एड्रेस होता है? तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस. एक एड्रेस होता है जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है, आपने अक्सर कोई वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि http://www. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ google.com. तो ये जो हमारे पास पूरा एड्रेस है इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस. लेकिन ये होता क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस. एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी दूसरे एड्रेस के साथ मैच नहीं करता. ये क्या, ये असाइन कराया जाता है, इज अ यूनिक एड्रेस, इज अ यूनिक एड्रेस दैट इज असाइंड टू आवर वेबसाइट. ये किसी वेबसाइट को असाइन करवाया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन यू डिफाइन वेब पेज एंड वेबसाइट. वेब पेज और वेबसाइट हमारे पास क्या होते हैं? हम लोग लिख लेते हैं नंबर वन पे हमारे पास देखते हैं कि वेब पेज क्या होते हैं. वेब पेज बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कहां पड़े होते हैं? ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब पे पढ़े होते हैं. अभी हमने ऊपर पढ़ गए हैं वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स. तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कहाँ पढ़े होते हैं? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे. तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है. सब लोग फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते होंगे या फिर कोई और, जैसे कि draz.pk एक वेबसाइट है. तो draz.pk एक वेबसाइट है, जैसे कि हम draz.pk को ओपन करते हैं, होम वाला पेज आ जाता है. तो वो जो फर्स्ट पेज है हमारे पास वो एक वेब पेज है. जैसे ही हम लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और नया पेज ओपन होता है, वो भी एक वेब पेज है. तो वो जो एक सिंगल पेज है वो हमारे पास एक वेब पेज कहलाएगा. तो इसी तरह होम पेज, मेन्यू पेज और सर्चिंग बार वाला, मतलब जिस तरह पेजेस इकट्ठे होते जाएंगे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं.